पॉपुलर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा इस वक्त नेटफ्लिक्स पर अपने स्टैंड अप स्पेशल एपिसोड को लेकर चर्चा में हैं। आई एम नॉट डन येट नाम का यह एपिसोड 28 जनवरी को टेलीकास्ट किया जाएगा। मेकर्स आए दिन इस एपिसोड से कपिल शर्मा द्वारा कुछ मज़ेदार खुलासों की झलकियां दिखा रहे हैं, जिन्होंने फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। अब मेकर्स ने एक और प्रोमो रिलीज़ किया है, जिसमें कपिल शर्मा ने खुलासा किया है कि उन्होंने शराब के नशे में गिन्नी चतरथ को प्रपोज किया था। उन्होंने वो किस्सा सुनाया, इसे सुनकर सब हैरान रह गए। हालांकि गिन्नी चतरथ ने फिर ऐसा जवाब दिया कि कपिल शर्मा की बोलती बंद हो गई। शेयर किए गए प्रोमो में कपिल शर्मा वाइफ गिन्नी चतरथ के लिए कह रहे हैं कि ये मेरी फेवरेट थी, सारे एक्टर्स में से एक थी। हम लोग साथ में थिएटर करते थे, मैं इसकी ड्यूटी लगाया करता था बहुत सारी चीज़ों में। ये मुझे फ़ोन करके बताती थी कि आज ये हुआ वो हुआ, आज हमने इतनी रिहर्सल की। एक दिन इसने मुझे फ़ोन किया, मैंने उस दिन शराब पी रखी थी। मैंने फ़ोन उठाते हुए पूछा, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ये कांप गई, कहती है क्या ये आदमी की इतनी हिम्मत कैसे हुए। मैं शुक्र करता हूँ कि भगवान का उस दिन कि मैंने टुडे नहीं पी रखी थी। जी हाँ, इतना सुनते ही मौजूद लोग हंसने लगते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गूंज उठता है। कपिल आगे कहते हैं कि अगर ताड़ी पी होती तो शायद मेरा सवाल बदल जाता, गिन्नी मेरे पापा को कोई ड्राइवर चाहिए। मैं गिन्नी से एक बात पूछना चाहता हूँ, वैसे गिन्नी कभी मेरे शो पर नहीं आई। गिन्नी आप बहुत अच्छे घर से हो, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे घर से हो, तो एक स्कूटर वाले लड़के से क्या सोचकर प्यार किया तुमने? ये सुनकर गिन्नी ने जवाब दिया, मैंने सोचा कि पैसे वाले से तो सभी प्यार करते हैं, इस गरीब का ही भला कर दूँ। इतना सुनते ही वहाँ मौजूद लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, वहीं कपिल का चेहरा भी देखने लायक हो जाता है। कपिल शर्मा और गिन्नी कॉलेज के दोस्त हैं और दोनों ने 12 दिसंबर 2018 को शादी की थी। एक साल बाद जहाँ गिन्नी ने बेटी को जन्म दिया, तो वहीं फरवरी 2021 में कपिल और गिन्नी एक बेटे के भी माँ बाप बने हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।